ग्रिगनाइट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उसके एक नया सब टॉपिक है डाइग्रिगनाइट। डाइड का मतलब है कि दो ग्रिगनाइट वाले पार्ट बनेंगे। एल्काइल हैलाइड में जैसे ही एमजी डालते हैं और सॉल्वेंट क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, ईथर होना चाहिए। क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। तो क्या करना है, जो एक्स वाला पार्ट होता है वो हट जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, एमजी। एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा। फ्लोरीन को छोड़ के कोई भी एल्काइल हैलाइड ग्रिगनाइट बना सकता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH2। यहाँ पे क्या आके क्या जुड़ गया है, MgCl। यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, MgCl। इसे कहेंगे डाई ग्रिगनाइट। देखो ग्रिगनाइट वाला पार्ट RmgX यहाँ बना, RmgX यहाँ बना, इसे क्या बोलेंगे, डाई ग्रिगनाइट। वैसे ही सब में एक्सेस Mg ले रखा है और ड्राई ईथर। तो कितने कार्बन, 1, 2, 3, तीन कार्बन है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl, और यहाँ पे भी MgCl। क्या बना देंगे, डाई ग्रिगनाइट। क्लियर, ऐसा बनाते चलेंगे। एक ही कंपाउंड में दो ग्रिगनाइट वाले आ गए, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको डाई ग्रिगनाइट। अब देखो ग्रिगनाइट वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, जहाँ पे भी एमजी था उस वाले पार्ट को क्या मानेंगे, माइनस, और वो जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वैसे ही यहाँ पे CH2 पे इधर माइनस आएगा और इस CH2 पे इधर माइनस आएगा। दो सेम चार्ज, दो नेगेटिव पास पास है, क्या वो स्टेबल होंगे, अपोजिट चार्ज पास पास होंगे, उनमें क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन है, इसी वजह से ये वाला पार्ट अनस्टेबल है, इसीलिए ये वाला डाइग्रिगनाइट नहीं बनेगा और बाकी सब डाइग्रिगनाइट बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव दूर दूर है, एक कार्बन का गैप आ गया। यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसका यहाँ नेगेटिव होगा, दोनों में डिस्टेंस है, ये फॉर्मेशन पॉसिबल है, ये फॉर्मेशन पॉसिबल है। पर सेम चार्ज अपोजिट, किसी और रिएक्शन में दो पॉजिटिव चार्ज पास पास आ रहे होंगे तो नहीं बनेंगे, अपोजिट चार्ज पास पास हो तो पॉसिबल है। वैसे ही यहाँ पे ग्रिगनाइट का मतलब क्या था, जहाँ पे एमजी जुड़ा है वहाँ नेगेटिव मानना है, दो नेगेटिव पास पास अनस्टेबल, तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर, डाइग्रिगनाइट वाला पार्ट हमने देख लिया थ्योरी, इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन हो सकता है डाइग्रिगनाइट वाले में। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, इसमें डाल दिया है एक्सेस एमजी और सॉल्वेंट है ड्राई ईथर। इसको देखते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, दोनों जगह ये ग्रिगनाइट बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, पांच मेंबर का कार्बन रहेगा ही, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आके जुड़ गया MgCl। क्लोरीन चलेगा, ब्रोमीन चलेगा, फ्लोरीन नहीं चलेगा, किसमें, ग्रिगनाइट में। यहाँ पे नेगेटिव मानना है, यहाँ पे नेगेटिव मानना है। इसका रिएक्शन ऐसे करा लेते हैं इसके साथ, सी डबल बॉन्ड ओ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस कंपाउंड में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये नेगेटिव, इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया, ये टूट गया। और नॉर्मल देखे जाए इसके अंदर, इसको रिएक्शन कराने के लिए कितना ग्रिगनाइट चाहिए होगा हमें, एक बार इस पर अटैक करेगा तो ये वाला क्लोरीन गया, अगली बार ये साइड वाला, दोनों एक ही कंपाउंड में दो ग्रिगनाइट जैसे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से भी अटैक होगा और यहाँ से भी अटैक होगा। एक एक करके इसको देख लेते हैं, ये नेगेटिव, इस पर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ऊपर, जब पाई बॉन्ड आया तो ये क्लोरीन रिमूव हो गया, तो कैसा बना हमारा। बाकी सारा पार्ट एज इट इज रख लेते हैं, नंबरिंग करना नहीं भूलेंगे जिससे गड़बड़ ना हो। ये 5 नंबर वाला कार्बन है, ये इससे अटैच हुआ और वो क्लोरीन चला गया ऐसा। फिर यहाँ पे भी एमजी जुड़ा है तो ये नेगेटिव है, अगली बार ये अटैक करेगा, इस क्लोरीन को भगाएगा। इसकी हेल्प करते हैं हम, इसको एरो बना के ये इधर गया, तो कितना, 5 कार्बन थे, एक और कार्बन आके जुड़ गया, कितने मेंबर का रिंग हो जाएगा, अब ये 6 मेंबर का, 6 मेंबर का रिंग और एक जगह डबल बॉन्ड। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो डाइग्रिगनाइट का मतलब यहाँ से भी अटैक हो सकता है, यहाँ से भी अटैक हो सकता है, तो दोनों में से सिमिलर है, कहीं से भी किसी को भी अटैक करा सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया डाइग्रिगनाइट वाला पार्ट, उसी में अब एक और देख लेते हैं हम लोग, साइनाइड का प्रिपरेशन। साइनाइड मतलब आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, KCN है, KCN मतलब आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड का मतलब ये कैसा होगा, K+N CN-
जो सी एन माइनस है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, तो इनमें क्या हो जाएगा एस एन टू रिएक्शन। ये सी एन माइनस यहाँ अटैक किया, ये रिमूव, या ओके यहाँ तो ग्रेनेड है ही नहीं तो आर एम जी एक्स नहीं सोचेंगे, ग्रेनेड है ही नहीं, ये वाला पार्ट इस पर अटैक किया, ये चला गया, तो क्या बन गया हमारा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन और के साथ जुड़ गया एक्स। ध्यान रखेंगे कि सी एन आयनिक वाला पार्ट चलेगा, ए जी सी एन जो कोवलेंट है, डी ब्लॉक वाला पार्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फजांस रूल, ये कैसा है इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है आयनिक कम है, तो के सी एन बनाने सॉरी आर सी एन बनाने के लिए इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, डी ब्लॉक वाला यूज़ नहीं करेंगे, डोंट यूज़ ए जी सी एन, वो इजली ब्रेक ही नहीं होगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है ही नहीं, इस पर अटैक नहीं होगा। इस वाले केस में हम कहाँ से अटैक कराते हैं, नाइट्रोजन से, ये वाला पार्ट अल्कल हैलाइड चैप्टर में आपने देखा होगा। अब ये है ग्रिगनार्ड आर एम जी एक्स, तो मतलब आर पे माइनस है, आर माइनस इस पर अटैक करे, क्लोरीन को हटाया, ये वाला स्टेप होगा गलत, पहले ये कहाँ पे अटैक करेगा, आर माइनस विल अटैक ऑन द पाई बॉन्ड, जैसे ही पाई बॉन्ड पे अटैक किया ये बॉन्ड गया ऊपर, हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये क्लोरीन अभी है डबल बॉन्ड, जैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड ओ में कर रहे थे, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ऊपर जा रहा था, वहाँ आ रहा था नेगेटिव साइन, अब ये नेगेटिव वापस आएगा, अब लीविंग ग्रुप को निकालेगा, दूसरे स्टेप पे निकलेगा, तो क्या बना आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये क्लोरीन चला गया लीविंग ग्रुप बनकर, ये एम जी के साथ जुड़ जाएगा। ये कैसा प्रोसेस है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ऊपर, नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव वापस जब आता है लीविंग ग्रुप होता है तब वापस आता है, लीविंग ग्रुप को भगा देता है, खुद बन जाता है, ये बन गया हमारा साइनाइड। ये कैसा प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम एस एन ए ई, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, क्लोरीन को हटाया, फाइनल प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्लोरीन जा रहा है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन एक स्टेप पे नहीं हो रहा है, पहले आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो एडिशन, फिर हैलोजन गया तो एलिमिनेशन, इसलिए क्या बोलेंगे इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है पर पहले ऐड हुआ है, पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन, क्लियर। इस वाले पार्ट में बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे ही बनाएंगे, आर माइनस आएगा इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर गया, इस पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव वापस आएगा तब ये रिमूव करेगा इसको, इसको बना लेते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये इस पे अटैक, ये ऊपर गया, चाहे कार्बन डबल बॉन्ड ओ हो या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन हो या कार्बन डबल बॉन्ड एन, सेम ही पैटर्न पे ही बनेगा। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है कार्बन के होते हैं चार बॉन्ड, एक नया बॉन्ड बन रहेगा तो एक बॉन्ड को ऊपर जाना ही होगा, कार्बन चार से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही चार है। ये वाला पार्ट वापस आया, आर तो अभी आया है तो वो लिविंग ग्रुप है ही नहीं, ये वाला पार्ट टूटेगा, ये टूट गया आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बन गया हमारा साइनाइड का प्रिपरेशन, ये टूट गया नेगेटिव साइन, ये एम जी के साथ जुड़ के बॉन्ड बना सकता है। सी एन सी एन दो सी एन है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सी एन होल ट्वाइस, जैसे हैलोजन को लिखते थे एक्स टू, इसको बोलते हैं हैलोजन, और ये सी एन है इसका नाम क्या होगा साइनोजन। तो कई बार आ जाए ग्रिगनार्ड रिएक्ट विद साइनोजन, तब क्या करेंगे ऐसा बनाएंगे। ग्रिगनार्ड का प्रिपरेशन देख लिया है, अब नेक्स्ट क्लास में ग्रिगनार्ड का ग्रिगनार्ड का साइनाइड बनाने में प्रिपरेशन देखा है, नेक्स्ट देखेंगे साइनाइड में ग्रिगनार्ड का क्या रिएक्शन होगा। थैंक यू।